नमस्कार, आइए जान लेते हैं यूपी चुनाव 2022 के साथ साथ शाम से लेकर रात तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। रामपुर में किसके पक्ष में हुआ मतदान, जाने सभी 5 सीट का हाल। बता दें कि हर चुनाव की तरह इस बार भी रामपुर पर लोगों की निगाहें हैं। वजह है सपा नेता आजम खान, जो आजकल जेल में बंद हैं और जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनके मुकाबले पर भाजपा के आकाश सक्सेना है। ये वही आकाश है जो आजम के धुर विरोधी माने जाते हैं। आज मतदान हुआ है तो इन्हीं दो दिग्गजों के बीच मुकाबला दिखाई दिया है। बता दें कि रामपुर शहर की बात करें तो यह सिविल लाइन्स अजीतपुर ज्वाला नगर इलाके में खूब वोट बरसा, लेकिन शहर के अंदर के बूथों पर सन्नाटा रहा। वीआईपी क्षेत्र सिविल लाइन्स जिला पंचायत गन्ना सोसाइटी के बूथों पर कभी भी 20-25% से अधिक वोटिंग नहीं हुई, लेकिन इस बार दोपहर 3 बजे तक 35-38% वोट पड़ चुके हैं, जबकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में पोल परसेंटेज बहुत धीमा रहा। अगली बड़ी खबर, शाहजहांपुर में सपा नेता की गोली मारकर हत्या, फर्जी वोटिंग को लेकर हुआ था विवाद। जी हाँ, बता दें कि यूपी के शाहजहांपुर जिले के तिलहर विधानसभा क्षेत्र में आज दूसरे चरण के मतदान के अगले ही दिन चकौरा गांव निवासी समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट 18 वर्षीय सुधीर यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बता दें कि इस झगड़े में भाजपा समर्थक वीरेंद्र यादव गोली लगने से घायल हो गया है, जिसे लखनऊ रेफर किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु की घटना के विरोध में सड़क पर उतरा विद्यार्थी परिषद। जी हां, तमिलनाडु में छात्रा के उत्पीड़न के मामले को लेकर अखिल भारतीय परिषद ने गोरखपुर में प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के एक स्कूल में 12वीं की छात्रा लावण्या को जबरिया धर्म परिवर्तन एवं आत्महत्या के लिए उकसाने के विरोध में प्रदर्शन कर रही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके विरोध में गोरखपुर में विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया है। अगली बेहद बड़ी खबर, भाजपा के बाद अब बसपा का अच्छे दिन वापस लाने का वादा। मायावती बोली, पूरी ताकत से लड़ रही चुनाव। जी हां, बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि उनकी बहुजन समाज पार्टी राज्य में वर्ष 2007 की तरह सुशासन के अच्छे दिन वापस लाने के लिए पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ रही है। साथ ही बता दें कि जालौन जिले के उरई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा प्रमुख ने भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और इन दलों के राज्य में शासन के दौरान रही कमियों का उल्लेख किया। बता दें आपको कि मायावती ने कांग्रेस को घोर जातिवादी जबकि भाजपा को पूंजीपति समर्थक करार दिया और आरोप लगाया है कि सपा ने अपने कार्यकाल के दौरान अपराधियों को खुली छूट दी थी। मायावती ने कहा है कि हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत और तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है, ताकि राज्य में बसपा शासनकाल के दौरान रहे अच्छे दिन वापस लौट सके। दोस्तों अगली बड़ी खबर, आजमगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, अस्पताल में शव छोड़कर भागे साथी। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सिधारी थाना क्षेत्र के नरौली के पास आज रात प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके साथ ही शव को मंडली अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। बता दें कि घटना की सूचना के बाद काफी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मंडली अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। अगली बेहद बड़ी खबर, कानपुर और अररिया में भाजपा के लिए हुकार भरेंगे अमित शाह, फिरोजाबाद और कन्नौज में योगी की रैली। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए दोनों चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। इसके अलावा उत्तराखंड और गोवा की सभी सीटों पर कल वोट डाले गए। बता दें कि अब 20 फरवरी को पंजाब की सभी सीटों पर और यूपी में तीसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज यूपी में हुंकार भरेंगे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिरोजाबाद, इटावा व कन्नौज के दौरे पर रहेंगे, जहां कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की भी कई सभाएं होने वाली हैं। दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर, आरबीआई में असिस्टेंट के 950 पदों पर भर्ती, जाने योग्यता आवेदन समेत 10 खास बातें। जी हां, बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश भर में फैले अपने विभिन्न कार्यालयों के लिए असिस्टेंट के पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के जरिए 950 पदों पर नियुक्तियां होंगी। फिलहाल आरबीआई ने इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। विस्तृत नोटिफिकेशन 17 फरवरी 2022 को जारी होगा और बता दें कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी 17 फरवरी 2022 से ही शुरू होगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, अच्छी खबर, जल्द ही सस्ती दर पर मिलेगी दाल और कुकिंग ऑयल। दालों और पाम ऑयल पर सरकार ने घटाया आयात शुल्क। जी हां, बता दें कि खाने पीने की बढ़ती कीमतों पर एक अच्छी खबर है। महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने दालों और पाम ऑयल पर इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती की घोषणा की है।
बता दें कि खाद्य मुद्रास्फीति पर काबू पाने की कोशिशों के तहत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से आने वाली दाल पर आयात शुल्क शून्य कर दिया है और अमेरिका से आने वाली दाल पर शुल्क 30% से घटाकर 22% कर दिया है। बता दें कि सरकार ने कच्चे पाम तेल पर भी सेस को 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है। हालांकि मूंग के आयात के लिए विंडो को करीब 2 महीने के लिए बंद करने के अचानक फैसले ने उद्योगों को चौंका दिया है जो पहले से ही आयात कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। वहीं अगली बेहद बड़ी खबर काम की खबर, वीडियो कॉलिंग से खरीद सकेंगे बीमा पॉलिसी। जी हाँ, बता दें कि वर्तमान समय में बैंकों के अलावा शेयर ब्रोकिंग कंपनियां वीडियो कॉलिंग से KYC की सुविधा दे रही है। बैंक कुछ खास सेवाओं के लिए इसे अपना रहे हैं। बीमा क्षेत्र की इस पहल पर ICICI लोम्बार्ड के मुख्य व्यवसाय अधिकारी विवेक नारायण का कहना है कि महामारी ने स्वास्थ्य बीमा के बारे में जागरूकता और सही कवरेज चुनने की चिंता को जन्म दिया है। साथ ही बता दें कि उन्होंने कहा है कि हमने वीडियो कॉलिंग के साथ प्रयोग किया क्योंकि इसने हमारे सलाहकारों को हमारे ग्राहकों और उनके परिवार के साथ अधिक घनिष्ठ और प्रभावी ढंग से जुड़ने की सुविधा दी। नतीजनक 3 गुना अधिक इच्छुक ग्राहक ऑडियो कॉल की तुलना में वीडियो कॉल पर बीमाकर्ता के साथ एक उपयुक्त स्वास्थ्य पॉलिसी हासिल करने के लिए आगे आ रहे हैं। अगली बेहद बड़ी खबर, चेन लूट कर भाग रहे बदमाशों का पीछा किया तो दंपत्ति पर चलाई गोली, पत्नी ने खींची बदमाशों की तस्वीर। जी हां, बता दें कि यह वारदात उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद की है। हिंडन बैराज पर कनावनी क्षेत्र में कबूतरों को दाना डालने गए एक कारोबारी से मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने सोने की चेन लूट ली। कारोबारी ने पत्नी के साथ कार से बदमाशों का पीछा किया तो गोली चला दी। एक गोली कार के शीशे में लगी, कार की टक्कर से बदमाश गिर गए। लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो गोली मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। बता दें कि इंदिरापुर थाना पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। अच्छा, अगली बड़ी खबर, भाजपा का विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार, वो बच्चियों को हिजाब पहनाएंगे हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। जी हां, बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार भाईचारे की जीत की बात कर रहे हैं। इस पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने तीखा तंज कसा है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि सब जानते हैं कि अखिलेश के लिए भाई कौन है और चारा कौन है। उनके लिए भाईचारे का मतलब केवल माफिया भाई लोगों का साथ है। साथ ही सुधांशु ने हिजाब कांड को लेकर भी तीखा हमला बोला। बता दें कि उन्होंने बिना किसी का नाम लिए बोले, वो बच्चियों को हिजाब और बुर्का पहनाने के लिए लड़ेंगे और हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा में नेतृत्वकर्ता की भूमिका देंगे। लेते हैं अगली बड़ी खबर, सीएम योगी का गढ़ भेदने में जुटा विपक्ष, गोरखपुर आ रहे केजरीवाल, अखिलेश और मायावती। जी हां, पूर्वांचल को फिर से भगवा रंग में रंगने के लिए भाजपा ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ भेदने के लिए यूपी के पूर्व सीएम व सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव व मायावती गोरखपुर और आसपास के जिलों में ताबड़तोड़ सभाएं करने जा रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, अपना दल कमेरा वादी को झटका, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजवंश सिंह पटेल भाजपा में शामिल। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले अपना दल कमेरा वादी को आज बड़ा झटका लगा है। बता दें कि अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इनके साथ ही बहराइच से कांग्रेस के पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो की बहू ने भी भाजपा का दामन थामा है। अगली बेहद बड़ी खबर, सीएम योगी के बयान पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने कहा, डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन चल रहे अलग अलग। बता दें कि सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अखिलेश यादव पर दिए बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि सीएम ने एक जनसभा में कहा था कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए क्योंकि इससे उनकी स्थिति को खतरा होगा, राज्य सरकार का इन मामलों से कोई लेना देना नहीं है। तो इसी पर अब्दुल्ला ने सीएम के बयान को विरोधाभासी बताते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन अलग अलग चल रहे हैं। एक तरफ तो वे कहते हैं कि अगर भाजपा न होती तो आजम क्या जेल में होते, उधर सीएम योगी यह बात कर रहे हैं, ऐसे में बेहतर होगा कि भाजपा पहले अपना रुख साफ करे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पूर्वांचल में अपनों ने की सपा की घेराबंदी, टिकट वितरण में देरी और टिकटों की अदला बदली से बढ़ी रात। जी हां, सपा पूर्वांचल में अपने ही लोगों से घिरती जा रही है। एक तरफ टिकट वितरण में देरी और दूसरी तरफ टिकटों की अदला बदली से पार्टी नेताओं के बीच रार बढ़ती जा रही है। बता दें कि टिकट नहीं मिलने से नाराज पार्टी के वरिष्ठ नेता दूसरे दलों से ताल ठोक कर सपा की घेराबंदी में जुट गए हैं। अगली बेहद बड़ी खबर, पीएम किसान की किस्त पति पत्नी दोनों ले रहे हैं तो एक को लौटानी पड़ेगी वरना जाना पड़ सकता है जेल। जी हां, बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड 12.48 करोड़ से अधिक किसानों में से केवल
10.22 करोड़ लाभार्थी को ही दिसंबर मार्च की किस्त मिल पाई है। आपको बता दें कि अभी 2 करोड़ से अधिक किसानों को 2000 रुपए का इंतजार है। दिसंबर मार्च की किस्त के लिए 10.70 करोड़ से अधिक किसानों का FTO जेनरेट हुआ था। इनमें से 25 लाख से अधिक किसानों का पेमेंट फंसा हुआ है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा उठाने वाले अपात्रों की अब खैर नहीं है। चाहे वह पति पत्नी दोनों स्कीम का लाभ ले रहे हों या एक्सपायर पेंशन धारक, सभी अपात्रों से वसूली होगी और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा आरोप, मेरी हत्या कराना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ, चुनाव आयोग से मांगी सुरक्षा। जी हां, बता दें कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा आरोप लगाया है। बता दें कि राजभर ने आगे कहा, योगी जी मुझे मारना चाहते हैं, मुझे मारने के लिए आने वाले लोग काले कोट में थे और उन्हें भाजपा और योगी ने भेजा था। दोस्तों, यूपी न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। रोज के ऐसी ही ताजा और बड़ी खबरों के लिए यूपी न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। धन्यवाद।